तो नमस्ते प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छू के गोड़ लगतनी और बहुत प्यारा हमारे सिनेमा जौन रोलों के इंतजार बहुत दिन से रला, वो इंतजार खत्म हो गई और 7 तारीख के हमने के ऑल ओवर इंडिया कलकत्ता से लेके नेपाल से लेके राजस्थान से लेके दिल्ली से लेके हर जगह करीब मल्टीप्लेक्स में कितना लग रहा है सर? 250 से ऊपर सिनेमा हॉल में लग रहा है और ये पहली बार ऐसे हो रहा है जब से सिनेमा हॉल बंद हुए हैं उसके बाद ये पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है एक भोजपुरी सिनेमा के लिए। और बस मैं अपील यही करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मल्टीप्लेक्सों में जाकर और इस सिनेमा को आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा तो इतना तो ज़रूर है कि हमारी सिनेमा का भी वो स्थान जो हम साउथ से लेकर हिंदी तक का करते हैं तो ये बहुत कम ऐसे और बहुत कम ऐसे लोग हिम्मत कर पाते हैं। और हम रोशन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि रोशन सर ने अपने सिनेमा को एक बेटी की तरह परवरिश जिस तरह होता है, एक बेटे की परवरिश जब हम करते हैं उसी तरह एक बेटे की तरह परवरिश इस सिनेमा को किया इन्होंने। और हम लोगों ने भी कोशिश की है कि इस सिनेमा को कितना बेहतर किया जाए, चाहे वो कश्मीर की शूट हो या यूपी का हो या मुंबई का हो या जहाँ भी हमने, चाहे वो अयोध्या का हो। बड़े बड़े गाने भी जो हैं ऋचा जी ने गाया है इसका, हमारे कैलाश खेर, दिलर पाजी और हमारी रति में जो कि बहुत सीरियल की बहुत टॉप की आर्टिस्ट हैं, और डायना खान जो कि एक खूबसूरती की वो खजाना है, और जो हमारे सलमान सर के साथ एक अमित भट्टाचार्य जिन्होंने मीर सर हमारे साउथ से एक विलेन है उसमें अमित तिवारी जी जो कि रडी राठौर में आपने देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और सबने बहुत मेहनत किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि रति जी को एक बार जोड़ूँ उसमें। रति पांडे जी किधर हैं ताकि आपको मिलाऊँ। अब बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं वो। अभी क्या हो, मैं उनको रिक्वेस्ट भेजा हूँ ताकि वो भी आए और हम दोनों बात करें और आप लोगों का एंटरटेन करें। तो ऐसे भी हम आ ही रहे हैं प्रमोशन करने हर जगह और आप लोग भी मल्टीप्लेक्स में हर जगह। सिनेमैक्स लग रहे क्या मुंबई? हेलो, नमस्ते पांडे जी, कैसी हैं? मैं दिख रही हूँ ठीक से? अरे बहुत प्यारी दिख रही हूँ आपकी नजरों में। नहीं नहीं, मेरी नजरों में नहीं, आप हैं प्यारी, सबके नजरों में प्यारी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम बोल दूं, पहली बार भोजपुरी दर्शकों से मिल रही हूं केसारी जी के थ्रू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन का मैं बहुत एक वर्ष से इंतजार कर रही हूं। नहीं नहीं, आपका तो हक बनता है क्योंकि आप पटना से हैं और हमारी गोपालगंज से हैं। थैंक यू सो मच, हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ है और आपने बहुत बेहतर काम किया इस सिनेमा को 4 चांद लगाने में, आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपने बड़ी से इस सिनेमा को जिया है। सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के साथ से ही हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। प्रिमांशु सर का एक है जो फिर मेरी पहली फिल्म के, मुझे कुछ नहीं आता था तो प्रिमांशु सर ने मुझे बहुत हेल्प किया था कि ऐसे होता है ये होता है। तो प्रिमांशु सर की, तो प्रिमांशु सर भी बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं और ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब प्रिमांशु सर। अच्छा सर, उधर पहुंचे सर के साथ पानी का बोतल भी दिख रहा है। हाँ तो अरे उनको पानी चाहिए ना, हालत खराब है हम सबकी। तो हम सब हालत आप चल रही है ना प्रमोशन? बिल्कुल, हम सब आ रहे हैं, पूरा पूरा इंडिया नहीं लेकिन आधे इंडिया का तो शायद गर्मी में दौरा कर ही लेंगे इस बार। पूरा इंडिया घूम जाऊंगा, घूम लीजिएगा भाई। एक तो आप तो सुपरस्टार है, भोजपुरी के किंग आप ही हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हम लोग भी घूम रहे हैं और ये फिल्म से जुड़ना ही मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आपके माध्यम से मैं भी सबको बता दूं कि ये मेरा सपना था एक भोजपुरी फिल्म करने का, क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो हर कोई बोलता था कि भोजपुरी क्यों नहीं करती हो, इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। तो बोलते ना देर आए दुरुस्त आए,
तो अब आए भी तो एकदम धमाके के साथ आ रहे हैं हम लोग, और पहली पिक्चर है मेरी भोजपुरी की, और बजट मैं की मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार बनी है। तब भी नहीं आया। हाँ, बिग तरीके बजटेड, बहुत से जो अच्छा। प्रमोशन है SRK कंपनी कर रहा है और हमारे रोशन सर, शर्मिला दीदी, इन दोनों का जो जागरूकता है, अपने एक बेटे की तरह इस सिनेमा को जिया इन्होंने, नहीं, और सही में जो हिंदी लेवल पे होता है वो सारी चीजें इसमें की गई। तो ये बहुत कम बिल्कुल है कि सिनेमा बनते हैं, और मेरे भी कुछ नसीबी है कि मैं इस सिनेमा का हिस्सा बना, और मुझे मजा आ रहा है कि मुझे इतने भव्य तरीके से 250 सिनेमा से ज्यादा, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो चाहे सिंगल थिएटर हो, हर जगह कोशिश हमारी सबकी है कि, और खास करके रोशन सर की, कि उन्होंने हर जगह अपने इनपुट को, अपने आउटपुट को, हर जगह अपनी ऊर्जा को उन्होंने इस्तेमाल किया है और बेहद रिलीजिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिनेमा तो बन जाता है, बट रिलीजिंग में ही लोग पीछे हट जाते हैं, अरे यार इतना। काफी काफी मेहनत लगी है। काफी मेन बात तो, मेन जो हमारे कर्ता धर्ता वो है रोशन सर, शर्मिला जी, प्रिमांशु जी तो है ही है हम लोगों को निखारने के लिए। लेकिन इन दोनों का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इनकी वजह से शायद मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मेरा कदम रखा है मैंने। और काफी सौभाग्य की बात है ऐसे प्रोड्यूसर से, ऐसे पूरे टीम के साथ जुड़ना, और खासकर ऐसे सुपरस्टार के साथ जुड़ना जो एकदम ही फ्रेंडली है। मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ या ऐसा कुछ घमंड है, बिल्कुल नहीं। मैं हर बार जो भी इंटरव्यू होता है तो मैं बोलती हूँ कि एकदम ऐसा लगता है कि घर है, मैं बानी हम अपना फैमिली के बीच में बानी हम घर कहीं तो घर मेरा तो कहाँ, गोपाल घर के मुर्गी, घर दाल बराबर ना हो बस गोपाल वो उसे कलाकार की तो कोई जाति नहीं होती है, कलाकार का कोई जिला नहीं होता, बट हम बिल्कुल जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का नाम लेना भी जरूरी है कि हम पैदा यहाँ हुए हैं भाई। पटना बिल्कुल बिल्कुल में और बिल्कुल गोपालगंज में कोई खास अंतर नहीं है, और पटना में रह के हमने ये और पड़ोसी है राज, बनी, हाँ पड़ोसी बनी जा रहा। आप तो दोस्त हो गए बनी सब तो काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। और हम लोग, कैसा लगा, आपका भाषा है भोजपुरी, आपका ये लैंग्वेज है, तो आपको क्या फील हुआ? बहुत अच्छा बोल तो रही हूँ कि मैं, मेरा एक सपना पूरा हुआ जैसे। ऐसा लगता है कि मम्मी बोल रही है कि पापा भी बोलते हैं अब एक आध और कर लो, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही मूवी ऐसा साकार हो गया। बोलते हैं ना कि अब इसके बाद करूं भी तो क्या करूं, तो एक में ही इतने सारे किरदार निभाने को मुझे मौका मिला। किरदार एज इन मैं यंग एज से लेके बुढ़ापे तक का मेरा किरदार है इस सिनेमा में। इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं जहां पर मेरे कैरेक्टर को निखारने के लिए काफी हेल्प मिला, और मेरे परफॉर्मेंस को स्पेशली निखारने के लिए काफी मुझे अच्छे अच्छे सीन्स मिले हैं जो कि आप सबको देखने को भी मिलेगा। और नहीं गाने इतने ब्यूटीफुल हैं जो लोग कि प्यार रहा तो, अगर लोगों का प्यार है थिएटर तक आने में, अगर सफलता हमें मिली, लोगों का अगर जागरूकता, जिस तो लोगों का एक है ना प्यार, कब आएगी कब आएगी, क्योंकि लोग मुझे तो मैसेज करते हैं ना कि भैया कब आएगी रंग दे बसंती, हम कहीं बस इंतजार खत्म है भाई, 7 जून को, सही। 7 को हर जगह लग रही है, 250 से ज्यादा सिनेमा घर में और हाँ मल्टीप्लेक्स में लग रही है, तो इसके लिए हमारे मीरा रोड में भी लग रही है, मूवी मैक्स, सिनेमैक्स मूवी मैक्स यानी सिनेमैक्स जो है आपके हमारे घर से जस्ट बगल जहां मैं रहता हूँ, तो अच्छा, वहां बगल वहां में पे है। भी लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह लग रही है। हम लोग अरे पटना भी जा रहे हैं 6 को, पटना जा रहे हैं खास प्रीमियर करने के लिए। सारे पटना वासियों को भी हम लोग बता दें। फिर पटना के बाद हम लोग हर थिएटर में सरप्राइज विजिट भी देने वाले, अभी बताएंगे नहीं है ना खेसारी जी। तो मतलब कभी भी आप लोगों को, अगर हम लोगों को लाइव दर्शन करना होगा तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं हाँ थिएटर में तो आप बताइए बस खेसारी जी कि हाँ आपको कैसा लगा हिंदी इंडस्ट्री की एक हीरोइन के साथ काम करके। डायना भी थी, अभी डायना हमारे बीच में आई नहीं है, देखिए बड़ा फोन करना पड़ता है कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, और बिल्कुल हमारे लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता है, लेकिन हम जिस भाषा के हैं कोशिश तो हमारी यही है कि उस भाषा को जितना बड़ा हो सके हम करें, और हमारी कोशिश भी रही है कि एक शिकायत होती थी लोगों को ना कि यार AC नहीं है सिनेमा हॉल में, पंखे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सीट नहीं है, तो ये सिनेमा इस बार आपको मैं AC के साथ देखने को मिलेगी, और एसी बढ़िया के यानी मल्टीप्लेक्स में लग रही है, साथ तो हाँ बस आपका प्यार और आशीर्वाद मुंबई में, और सुपर मुंबई में निषाद सिनेमा मल्टीप्लेक्स में सिनेमा है ग्रांड रोड, ग्रांड रोड में, तो हाँ मुंबई में इन्फिनिटी में भी लग रहा है अंधेरी, मुंबई इन्फिनिटी में, दिल्ली कोलकाता। तो ये बहुत, हाँ ये मुझे लगता है कि रोशन सर का ये जो एहसान हम कलाकारों पे है,
ये हमेशा बना रहे और ऐसे प्रोड्यूसर हमेशा भगवान करे कि हजारों हजार बरस जिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हो। करते बिल्कुल, बिल्कुल। इतना इनपुट जो होता है ना बहुत कम लोगों का होता है, तो बस पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा अपनी जनता से कि जो मुंबई में है, जो कलकत्ता में है, जो जयपुर में है, जो रायपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में है, या पटना, हर जगह, मैंने जहां जहां भी मल्टीप्लेक्स है, कोशिश है, रोशन सर की है भी और कर भी रहे हैं हर जगह, तो बहुत कम ऐसे अवसर मिलता है। अब लोगों का अगर प्यार मिल गया तो मुझे लगता है कि हमारी भी सिनेमा बहुत जल्दी एक साउथ इंडस्ट्री की तरह अपना रूप बदलेगी, और उस टाइप का सिनेमा बना भी है ये, क्योंकि इस सिनेमा में जिसकी जितनी जरूरत थी वो सब कुछ लाया गया है। तो कोशिश हमारी, चाहे वो 20-22 दिन का जो शूटिंग -8 डिग्री में, आप तो थी ही गाने में, टॉप जॉब था, लेकिन ठीक है, लोगों के प्यार के लिए। मैं आपकी तारीफ में बताना चाहूंगी कि आपने जितनी मेहनत इस मूवी में की है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था क्लाइमेट चैलेंज जो बोलते हैं, हमने ठंड भी देखी, गर्मी भी देखी और बरसात भी देखा, स्पेशली आपने तीनों वेदर देखे हैं, 2-3 महीनों में ही सारे वेदर इन्होंने देख लिए, और जो मेहनत खेसारी जी ने की है, स्पेशली जो बर्फ में बेयर बॉडी करके, मतलब, और मैं तो 2-3 दिन बाद पहुंची जब मैंने इनकी हालत देखी, और ये इंसान एक ऐसा बंदा है जो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इनको हमेशा यही बोलती हूँ कि सोइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, सुबह सुबह उठ के जिम जाना, अपनी बॉडी का फिटनेस का ख्याल रखना, फिर शूटिंग पे जाना, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में शूट करना, ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, और ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है। कलकत्ता के लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं बैरकपुर में अभी रोड शो किया था, तो स्पेशलिस्ट जानबूझ के वहाँ के लोगों का आया है कि नहीं हमारे बैरकपुर में लगा, ये तो वहाँ भी सिनेमा जैन सिनेमा में लग रहा है, तो कलकत्ता, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे जब रोड शो कर रहा था तो लाखों लोग मेरे पीछे थे, और उनका खास करके मेरे पास निवेदन था कि भैया आप बैरकपुर में भी लगवाइए, तो कलकत्ता बैरकपुर में भी सिनेमा अपना लग रहा है, तो और आप बहुत प्यारी हैं पता है आपको, और बहुत क्यूट हैं आप, और बहुत मेहनत, बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं आप, मैं आपसे सीखने को भी मिला कि आप डरता था मैं, अरे आप कुछ भी भाई कब आप कैसा कर देंगी पता ही नहीं चलता था कुछ नहीं, ये सब आप लोगों के साथ की बात है, आप लोगों ने इतना हेल्प किया इसलिए शायद वैसे सीन्स अच्छे निकल के आए हैं, होता है ना कि जैसे रिएक्शन मिलता है वैसे दूसरा एक्टर रिएक्ट भी करता है, तो इतने अच्छे हर कोई कलाकार, मैं तो दंग रह गई कि हर एक कैरेक्टर जितने भी कलाकार है वो सारे मंजे हुए हैं, और ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ, किसी का रीटेक अगर होता है तो वो शायद इमोशंस के, ऐसा नहीं है कि इसको एक्टिंग नहीं आती, किसी को बोल नहीं सकते, सभी ने अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, स्पेशली खेसारी जी ने तो काफी की है, ये उनकी मूवी है, हम लोग तो चार चांद लगाई बनी हमने खाली बस एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है सबका था, और सबने 110% मेहनत की, चाहे वो क्राउड के लोग हों या हमारे डायरेक्टर का, तो समझिए कि हम लोगों तो 1.5 महीने काम किया इस सिनेमा में, बट मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर साहब इसको आज 5 साल से जी रहे हैं इस कहानी को लेके। हम जब लंदन में भैया से बात किए थे तो हमने कहा कि इसी कहानी पे काम, तो भाई इसके लिए प्रोड्यूसर कौन होगा, मैं बोला कि एक आदमी है ना, मानना पड़ेगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को, मतलब जिगर है उनके पास, अगर उनको बोले कि भाई इस सीन में चॉपर चाहिए वो तुरंत बुलवा देंगे, तो ऐसा जिगर होना चाहिए, रिस्क लेने वाला इंसान होना चाहिए, वो रिस्क लेके लेने से डरते नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, हमारे प्रोड्यूसर के लिए क्या बोले, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ेंगे, जिस तरह से वास्ट स्केल में वो रिलीज करवा रहे हैं हमारी मूवी, यही बहुत बड़ी बात है, और शायद इससे बहुत ही बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। 2500 सिनेमा बढ़े, लेकिन अगर 250 सिनेमा हाउसफुल हुआ तो मैं वादा यही रोशन सर कल 250 सिनेमा भी लगाएंगे और 2500 सिनेमा भी लगाएंगे और थिएटर हमें, बस लोगों को मैं अपील और आप भी कर दीजिए लोगों से कि भाई सिनेमैक्स और जितने भी थिएटर हैं बेहतर सिनेमा हॉल के साथ लग रही है सिनेमा ये, तो आप लोग इतना प्यार दे दीजिए कि आज हम 250 सिनेमा हॉल में हैं, कल 2500 सिनेमा हॉल में, कल 5000 बढ़े, तो बढ़ाना हमारे जनता के ऊपर है, हम तो बेहतर काम ही कर सकते हैं, और अपील ही कर, बस अपने भाषा को सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी समाज का दायित्व तो बनता है कि अपने भाषा के लिए जितना हो सके आप थोड़ा सा अपना एनर्जी लगा देंगे तो शायद हमारा सिनेमा और बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरी पारिवारिक फिल्म है और सबको यही हम लोग इन्वाइट यही से कर रहे हैं कि आप अपने परिवार, बच्चों,
सबको लेकर आइए और ये सिनेमा थिएटर में ही देखने लायक है, तो थिएटर में ही एकदम खचाखच भर दीजिए हॉल को। देश के लिए सिनेमा है, देश के लिए जो सैनिकों की क्या मानोदशा होती है, एक सैनिक पे क्या गुजरती है, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आज है तो हम सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि देश के प्रति बहुत कम ऐसी चीजें बनती है जो देश के भविष्य के लिए, और एक सैनिक की मानोदशा क्या होती है, एक सैनिक कितने कष्टों में अपने जीवन को चलाता है और अपने परिवार को चलाता है, शायद एक आम आदमी नहीं समझ पाता। तो हमें इस सिनेमा को देखने से एक फायदा तो जरूर होगा कि अपने सैनिकों के प्रति जो सम्मान और प्यार है सबके मन में है, लेकिन मुझे लगता है सिनेमा के बाद और बढ़ेगी। तो मेरी कोशिश और हम जो सिनेमा किए हैं, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देकर और इस सिनेमा को हमारे मेहनत से ज्यादा आप दे दीजिए, ताकि हम इससे भी बड़ा सिनेमा रोशन सर से बोल के बनवाएं और आप सबका मनोरंजन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमानशु सर कहाँ छुपे हैं, उनसे भी कुछ बुलवाया जाए। एक सवाल है बिंग ऑडियंस में, तुम दोनों से पूछना चाहूंगा कि जो ऑडियंस भोजपुरी से थिएटर से दूर हो चुकी है, या कुछ एक एलिट क्लास है जो भोजपुरी के थिएटर में आती नहीं है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है, तुम क्या बताओगे कि ये लोग आएंगे, किस लिए रंग दे बसंती देखने आएंगे, ये हमारी फिल्म है, हम तो अपील करेंगे सब होगा, लेकिन खासियत क्या है वो तुम लोग बताओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि जो ऑडियंस दूर हो चुकी है या जो आना नहीं चाहती है तो वो भोजपुरी फिल्म देखने आए, जिसके लिए हमारा प्रयास है, सर ने रोशन सर ने मल्टीप्लेक्स में लगाया ताकि प्रॉपर एनवायरमेंट मिले, वो सारी चीजें मिले, एटमोस साउंड है तो साउंड की जो हिंदी क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी सुनने को मिलेगा आदमी को, तो ये सारे प्रयास निरर्थक है जब अगर ऑडियंस नहीं आती है, तो उस ऑडियंस को लाने के लिए तुम लोग क्या कहने, इस फिल्म में क्या है, क्या बताना चाहोगी कि ताकि ऑडियंस तुम्हारी बातों से कन्विंस हो और टर्न अप करे। तो ये सवाल तुम बताते, तो आधी बातें तो आपने बता ही दी है ऑलमोस्ट। बीइंग इन हिंदी इंडस्ट्री, अगर मैं कहूँ कि मैं अगर इस फिल्म से जुड़ रही हूँ, जो कि बहुत बहुत सारी बिहारी एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम के नामचीन एक्टर्स हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं लेकिन हिंदी इंडस्ट्री से जरूर जुड़े हैं, कुछ ना कुछ अफवाहों के कारण या कुछ ना कुछ किस्म सच्चाई होती है, बट मैं अगर हिंदी इंडस्ट्री से आकर इस फिल्म से जुड़ी हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे, मैंने बहुत क्वेश्चन भी किए, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज नहीं है इस मूवी में जहां पर हमें एक बदनामी का सामना करना पड़े या हमें कोई कुछ उंगली उठा के कुछ बोल सके। ये सिमिलरली वैसी ही बॉलीवुड मूवी, एक अच्छी खासी हाई बजटेड और क्वालिटी वाली मूवी है, जहां पर आई थिंक बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है इसमें, हमारे साउथ के वासु सर भी हैं कैमरा डीओपी, हमारे एक्टर्स सारे मंझे हुए कलाकार हैं, इसमें से कुछ कलाकार उनका नाम अमित भट्टाचार्य वो भी हैं जो बजरंगी भाईजान में थे, तो मंझे हुए कलाकारों के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी देखिए आप, लोकेशंस देखिए, हम बिग बजटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस जगह जाने के लिए रिस्क और गट्स चाहिए उस प्रोड्यूसर को, यू नो, उस फिल्म को बनाने के लिए। सिनेमा को मुझे ये लगता है कि सिनेमा को क्यों आना चाहिए लोगों को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वालिटी वाला सिनेमा बहुत कम बनते हैं और इतना हिम्मत करने वाला प्रोड्यूसर बहुत कम लोग हैं। दूसरी चीज कि इस कहानी का जो सार है, कि ये कहानी ऐसी कहानी है कि एक फौजी की जो कहानी होती है जिंदगी में, एक फौजी पूरे देश को अपना परिवार मानता है, पूरे समाज को अपना परिवार मानता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता है, अपने परिवार की सिर्फ रोजी रोटी ठीक है तो पैसे वो कमा रहा है, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि उसके साथ उसकी जिम्मेदारी, फौजी की जिम्मेदारी होती है ना, वो देश के लिए होती है, अपने परिवार के लिए नहीं, क्योंकि वो पूरी देशी उसका परिवार होता है, और वो कितने कष्ट में, कितने प्रॉब्लम से जूझ के अपने देश की रक्षा करता है, ये हमें जानने के लिए उस सिनेमा को देखना चाहिए कि हाँ यार। और फौजियों का जो सम्मान कभी कभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे या कहीं, कि लोग फौजियों को कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो ये सिनेमा देखने के बाद कहीं ना कहीं, और देश की उन्नति के लिए सिनेमा देखना चाहिए, और देश अपना कहाँ है और अपने देश को कैसे बचाया जा सकता है, चाहे वो हमारी इमोशन को हो या हमारी मोहब्बत को हो या हमारे ऊर्जा की हो, तो वो सारी चीजें जो है ना इस सिनेमा में, एक परिवार से लेकर, एक देश से लेकर, एक देशभक्ति से लेकर, एक बलिदान तक, हर वो चीज इमोशंस दिखाए गए, सारे इमोशन कहीं ना कहीं प्रिमांशु सर ने उसको उसमें पिरोया है, और हमारे राइटर से लेकर जितने भी लोग हैं ना, सबने एक एक छोटी छोटी जो चीजें हैं अपने इमोशन के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, तो वो सारी चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि एक ही सिनेमा इतने सारे पैकेज हैं, इमोशन से लेकर रिश्तों से लेकर हर उस चीजों को, मेन चीज वही है। और क्वालिटी जो है ना वो आपको इतनी इम्प्रूव्ड मिलेगी, मैं वही कहती हूँ कि एक इंसान है जो बदलाव ला सकता है, तो वो इंसान आ चुका है और हमारी पूरी टीम अब आ चुकी है वो बदलाव लाने के लिए। तो आई थिंक वही बदलाव आपको दिखेगा इस सिनेमा के थ्रू, भोजपुरी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। यार इसमें अश्लीलता होती है, इसमें ये होती है, पुअर चीजें होती है, इसमें साउंड ठीक नहीं होता, गाने ठीक नहीं होते, अच्छे शूट नहीं होते, बजट नहीं होता, वो सारी चीजों को आप इस सिनेमा को देखने के बाद इतना तो जरूर बिल्कुल नहीं बोलेंगे ऐसी भी बनती है क्या, आपको इतना तो लगेगा, तब आपको लगेगा कि आपकी भोजपुरी प्रोग्रेस कर रही है। और उस प्रोग्रेस में मुझे लगता है कि हमारे जनता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर इस सिनेमा को अगर लोगों ने प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो मुझे लगता है कि हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम साउथ की तरह 50 और मेरे ख्याल से इस सिनेमा के बाद जितने भी भोजपुरी एक्टर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये जुड़ेंगे जरूर भोजपुरी से। और जो भोजपुरी तो, जो भोजपुरी पे धप्पा था यार, भोजपुरी करेंगे हम, वो चीजें तो इस सिनेमा के बाद इतना तो जरूर करेंगे यार, क्या फिल्म है यार, क्या भोजपुरी में ऐसे काम भी होते हैं क्या, तो टेक्निकल वाइज या मुझे लगता है बजट वाइज या रिलीजिंग का जो अभी टेरिटरी सर का है और रिलीजिंग करने का और रिलीज करने का जो इनका तरीका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, जिन्होंने नहीं किया है, तो बस मैं चाहता हूं कि हमारी जनता भी कॉम्प्रोमाइज ना करे देखने के लिए इसको, जितना हो सके आप एक बार एक कंप्लीट फैमिली फिल्म से लेकर देश देश के हित में जो चीजें होती है, और एक फौजी को अपने देश के हित में क्या करना चाहिए और एक फौजी अपने देश के हित में क्या कर सकता है और क्या करता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगी इसमें। बिल्कुल तो भोजपुरी को बचाने के लिए देखना चाहिए, मुझे लगता है भोजपुरी को बड़ा करने के लिए देखना चाहिए। तो बस यही चाहता हूँ मैं कि सबसे अपील कर रहा हूँ, और 7 तारीख को ये लग रही है, और इधर आइए सर, जिनके बारे में हम इतनी तारीफ कर रहे हैं कम से कम उनको भी दुनिया सर आ गए। हाँ अरे अरे मेन करता धरता हमारे, आइए सर, सब येलो येलो में देखिए, इसी को कहते हैं टीम, बिना बताए हम लोग सेम कलर में नहीं, हम लोग लेके चलते सर, आपको हम सब के साथ मेरे साथ काम करके कैसा लगा सर, बोलो के लोगों के साथ काम, हमारी देखिए भोजपुरी से जो जुड़ता है हमारी फैमिली की तरह होता है, बिल्कुल, और फैमिली को कोशिश आदमी करता है कि अपनी फैमिली को, देखिए कोई एक ही फैमिली होती है, नेता कोई एक ही होता है जो देश के लिए काम करता है, फौजी जो होते हैं हर पूरे गांव फौजी नहीं होता है, उसमें से हर गांव से 2-4-5-10 फौजी निकल के ही देश का रक्षा करते हैं, तो नेतृत्व पूरे गांव को नहीं मिलता है, नेतृत्व पूरे देश को नहीं मिलता है। अब इतने सारे लोगों में हीरो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे सारे लैंग्वेज मिला दे, लेकिन 140 करोड़ जनता है, तो भाई हमें जिम्मेदारियां मिली है तो हम कोशिश है, और सर ने जिम्मेदारियों को बखूबी किया है, तो मैं हैट्स ऑफ है इनको कि इन्होंने इतनी प्यारी सिनेमा और इतने बिग बजट का बनाने का हिम्मत किया, ये काबिलियत तारीफ, उसके पीछे मेरी हिम्मत कहाँ आई हो मैं बताऊंगा, चूंकि खेसारी भाई इतने बड़े स्टार हैं और आपको पता है इनके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा, यू नो हम लोग जब कहीं जाते हैं या कुछ बोलते हैं कि व्हाट यू डू एक्चुअली, आप क्या करते हैं, तो भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, तो लोग टर्न ले लेते हैं, साइड निकल के चले जाते हैं, करेक्ट। सो वो अंदर बैठा हुआ था कि नहीं हम कुछ ऐसा करेंगे, और हम चाहे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी ये हिम्मत बढ़ाएं कि हमने अगर ये फिल्म बनाई है, सो अगर आप देखेंगे तो आप अपनी भोजपुरी के लिए देखेंगे, आप चूंकि आपको जिस वे में लोग देखते हैं, जिस वे में रिप्रेजेंट, जैसे आप भोजपुरी लैंग्वेज की बात करते हैं, आप बोलते हैं मैं यूपी से आता हूँ या बिहार से आता हूँ, और लोग आपको गलत वे में लेके जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वे में हम फिल्म को रिलीज करें कि हम बताएं कि नहीं हम भी एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, हमारी भोजपुरी हमारी अच्छी है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रकाश फिल्म्स हैं, राजेश जी और प्रशांत जी जो बिहार से काम कर रहे हैं, जो कि उन्होंने गदर सारी रिलीज किया था, पठान से लेकर जवान तक सारी फिल्म उन्होंने ही रिलीज किया था। फिर सत्यदीप साहा हैं जो कोलकाता में काम कर रहे हैं इस फिल्म में काम, फिर राजस्थान में आनंद मेवारा हैं, मतलब ये सारी टीम जो इधर चेन्नई हम रिलीज कर रहे हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, सारे इस एरिया जहां इंडिया में जो भी सेंटर है, हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं, और अपने लोगों को हम चाह रहे हैं कि वो फिल्म देखें,
जो भोजपुरी को प्यार करते हैं और भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम सर आपको आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और हम सभी एज एज मतलब एक्टर्स वी आर वेरी ग्रेटफुल थैंक यू, हम लोग जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे फिल्म देखेंगे उनके उन्हें हमें बोलना है, हमें थैंक यू उनको बोलना है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि आप अगर नहीं होते तो ये पहल आई थिंक कोई कर ही नहीं पाता है, और एक पहल करने वाला इंसान वो हम नहीं, तो भोजपुरी की जो वो वर्ड मैंने बोला ना वो यहाँ लगा हुआ है, वेरी गुड, भोजपुरी तो वो हमको भी लग गया इसीलिए मैं भी इस चीज से जुड़ गई, मैंने बोला भाई अब हम सबको पहल करना चाहिए, ये यहाँ लगना चाहिए तभी होगा बदलाव। वी आर फेसिंग बिग इश्यू इन आवर इंडस्ट्री, सो वी आर रिवाइव इंडस्ट्री कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, हमारा भोजपुरी आगे, हम सब मेहनत कर रहे हैं कि सारी भाई उसमें आगे आके, तो वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में हमारे जितने सेंटर्स हैं उसको टच करें, उनके उनके हम अपने लोगों के पास जो खेसारी जी से प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, उनके पास हम पहुंचे, उनके साथ इंटरेक्ट करें, तो हम हर क्षेत्र में कोशिश करेंगे, बट देखिए हम कहां आ पाते हैं, बट हर एरिया में नहीं, आज हर देखिए आज हर लैंग्वेज के लोगों ने अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया है, तो उस अगर स्टार आकर अगर कर रहे हैं बेहतर फिल्में तो वहां के लोग भी उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, तो हमने अब सीरियस लेना शुरू कर दिया अपने भाषा को लेके। अभी तक तो देखिए होता क्या है कि जब आदमी को जीवन में तो पहले आदमी अपने नाम को बड़ा करना चाहता है, फिर पैसे कमाने की इच्छा होती है कि यार पैसे कमा ले, तब तो कमा ही लिए, अब तो घर भी है, गाड़ी भी है, पैसे भी है, नाम भी है, सब कुछ तो हो ही गया, तो अब अपने भाषा को कितना बड़ा कर सके वो कोशिश हम सबकी रहनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर हम आगे आए हैं तो हमें, मैं तो यही अपील करूंगा कि आप जो हमारी जनता है, जो हमारी भगवान स्वरूपी जो हमें बहुत प्यार करती हैं, इन लोगों का प्यार जब मैं रोड पे उतरता हूं तो लगता है कि ये खेसारी को मैंने जख्मी कर देंगे अपने मोहब्बत से, और कर भी भयंकर प्यार है, मतलब तब कितने बार मेरे अंगूठे टूट गए छूने के लिए, वो कभी कोई पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं है, तो वो एक मोहब्बत है उनका, उनका है कि मेरे प्रति जो स्नेह है प्यार है, बस मैं वही चाहता हूं कि आप लोग जहां भी आप पता करिए कहां कहां लगी है हमारी सिनेमा, और हर शहर में लगी है इंडिया के करीब करीब, तो आप पता करिए मल्टीप्लेक्स में लगी है, हर जगह सिनेपोलिस में लगी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर जागरूक हो जाएं एक बार अपने भाषा के लिए, खेसारी के लिए नहीं जागरूक होना है, आपको अपने भाषा के लिए जागरूक होना है कि नहीं यार हम भी दुनिया को बताएंगे कि हमारी भोजपुरी सिनेमा भी 50 करोड़ का बिजनेस करती है, 100 करोड़ की बिजनेस करती है, तो अगर हम अगर चाह दें तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जनता चाहे तो मुझे लगता है हमारी भोजपुरी बहुत बड़ा हो सकती है, तो बस वो कोशिश है रोशन सर की और हम सबकी कोशिश है, हम सबकी कोशिश है, एंड आप प्राउड फील करेंगे जब आप फिल्म देखेंगे, हाँ, क्योंकि आपको भी लगेगा कि नहीं यार भोजपुरी सिनेमा में ऐसी भी सिनेमा, चाहे वो साउंड क्वालिटी से लेकर, चाहे वो लोकेशन से लेकर, गाने से लेकर, म्यूजिक से लेकर, बैकग्राउंड से लेकर, एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक, हर आदमी ने कोशिश किया और बेहतर करने की अपना जो क्षमता है सबके अंदर उसने सबने अपना इस्तेमाल किया है, तो बस हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग पहली बार एक बार भोजपुरी को बड़ा करने के लिए आइए हॉल सिनेमा हॉल में और दिखा दीजिए कि नहीं हमारी भोजपुरी छोटी नहीं है, और जब ये काम कहे कि हम बिहारी हैं उस वक्त एक काम अगर हो गया तो मुझे लगता है अगर रंदे बसंती को अगर मोहब्बत से लोगों ने भरा तो समझ लीजिए कि अपना भी सिनेमा एक साउथ की तरह बनाएगा, और फिर हम बिग बजट और बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग 7 तारीख को फाइनली आ रहे हैं, जितने भी मेरी ऑडियंस है, जो भगवान स्वरूपी जनता है जो मुझे प्यार करती है, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ 7 को आप भी अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाइए और बताइए कि भोजपुरी आपकी यहाँ नहीं यहाँ है, क्योंकि उस लेवल भी है। और यहाँ माँ हमारे दिल में है, अपने माँ के लिए हम टिकट कटाएंगे और अपने माँ को बचाने के लिए हम किसी भी हाल तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। मैं बोलना चाहूंगा उन लोगों को भी जो हमारे थिएटर्स चेन हैं, लाइक PVR हो, सिनेपोलिस हो, दे आर सपोर्टिंग अस कि हमें अपनी फिल्म को प्रमोट करने में, अगर आपको कहीं भी जाएं तो आपकी चीज दिखेगी, आपकी रंग दे बसंती हर मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया में दिख रही है, तो ये आपको खुशी होगी और आपको प्राइड फील होगा, प्राउड फील होगा खुद पे कि हमारी चीज यहाँ दिख रही है। काफी लोगों ने हमें सेल्फी भेजा है वहां से लेकर, क्योंकि एक न्यूज किसी ने बनाया था कि आप हमें सेल्फी भेजिए किसी को दिख रहा है, तो काफी लोगों ने मल्टीप्लेक्स से जहां भी जा रहे हैं किसी को दिख रहा है तो वो सेल्फी लेकर भेजते हैं, सो एक हमें भी एक फील अच्छा हो रहा था कि यार हमारी चीज दिख रही है। चलिए तो अपना ख्याल रखिए और हम भी विदा ले रहे हैं, और बस 7 तारीख को रंग दे बसंती को आप इतना प्यार दे दीजिए कि हम लोग गदगद हो जाएं और अपना यहाँ पहुंचे, तो अब हमारी कोशिश यहाँ तक थी, अब आपकी कोशिश है अपने भाषा को
और ऊपर ले जाने और ऊपर ले जाने के लिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय सर, बाय बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।